विकी कौशल और कैटरीना कैफ इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर कपल में से एक है। दोनों हमेशा कपल गोल सेट करते हुए नजर आते हैं, वहीं फैंस भी इनके जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं। इन सब के बीच फैंस ये जानने के लिए हमेशा बेकरार रहते हैं कि एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले विकी और कैटरीना की क्या कभी लड़ाई होती है। इसे लेकर विकी ने खुलासा किया। चलिए जानते हैं क्या कुछ कहा हमारे एक्टर विकी कौशल ने। दरअसल छावा एक्टर साल 2022 में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ करण जौहर के फेमस चैट शो कॉफी विद करण में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी कैटरीना कैफ के साथ लड़ाई के बारे में एक मजेदार सा किस्सा शेयर किया। रैपिड फायर राउंड खेलते समय विकी कौशल से एक बात के बारे में पूछा गया कि वो और उनकी पत्नी एक्ट्रेस कैटरीना कैफ किस बात पर झगड़ते हैं। इस पर विकी ने कहा, क्लोजर के स्पेस के लिए। अभिनेता ने आगे कहा, ये सब सिकुड़ रहा है। इस पर होस्ट करण जौहर ने हंसते हुए बताया कि वो विकी कौशल के घर गए थे और उनके पास अलमारी के लिए जगह नहीं थी। इस पर विकी ने खुलासा किया था कि उसे डेढ़ कमरे मिले। उसके पास एक दराज भी है, एक अलमीरा भी है, जिसके बाद भी वो अलमीरा जो है वो मेरी दराज बन सकती है। बाद में करण ने विकी को बेचारा कहकर सांत्वना दी। बाद में कैटरीना का फेवर लेते हुए कहा कि उसे अपनी अलमारी के लिए इतनी बड़ी जगह की जरूरत होगी, आखिरकार वो एक हीरोइन है। फिलहाल बताते चले कि इसी के साथ विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने कुछ सालों तक डेटिंग के बाद 9 दिसंबर को इंटीमेट शादी की। तब से ये कपल हमेशा ही सोशल मीडिया पर अपने प्यार भरी तस्वीरें शेयर करते हैं। ये जोड़ी फैंस में सबसे ज्यादा विकेट के नाम से फेमस है। इनका एक अलग ही फैंस बेस है, हालांकि उन्होंने कभी एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं की है। फिलहाल बताते चले अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो विकी कौशल को आखिरी बार बैड न्यूज में तृप्ति डिमरी और एमी वर्क के साथ देखा गया। अब वो 6 दिसंबर को एक पीरियड वॉर एक्शन ड्रामा छावा की रिलीज के लिए तैयार है। फिलहाल उस पर क्या कुछ राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।